क्या आपको पता है कि नाखून में लगी चोट कैसे ठीक होती है? क्या आपको पता है कि दुनिया में लगभग 90% लोग सीधे हाथ का इस्तेमाल क्यों करते हैं? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि वो कौन सा देश है जहां कार सड़कों पर नहीं बल्कि हवा में पार्क होती है? क्या आपको दुनिया के सबसे महंगे लेंस के बारे में पता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में आमतौर पर फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ियों को खुले में खेलना होता है जिसमें किसी तरह के एसी की सुविधा नहीं होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कतर में फुटबॉल स्टेडियम में खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए एसी लगाए गए हैं ताकि वहां के तापमान को ठंडा रखा जा सके। दरअसल कतर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जबकि कभी कभी रेत और धूल भरा तूफान भी आ जाता है। ऐसे में अगर तूफान फुटबॉल स्टेडियम के आसपास पैदा हो जाए तो उसकी वजह से खिलाड़ियों और दर्शकों को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। ऐसे में इस मुसीबत से बचने के लिए कतर की सरकार ने ऐसा स्टेडियम बनाया है जिसे जरूरत पड़ने पर ऊपर से पूरा बंद किया जा सकता है। इस स्थिति में फुटबॉल ग्राउंड में लगे एसी को ऑन कर दिया जाता है जो अंदर के तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ खिलाड़ियों और दर्शकों को एक अच्छा और ठंडक भरा माहौल देता है। ये एसी इतनी ज्यादा मात्रा में ठंडी हवा देते हैं कि भारी गर्मी या तूफान के दौरान भी किसी को स्टेडियम के अंदर दिक्कत नहीं होती है। फैक्ट नंबर 2, आपने अक्सर गूगल या इंटरनेट पर एफिल टावर की फोटो देखी होंगी जो दिन के उजाले में क्लिक की गई होती है। वहीं एफिल टावर की रात में क्लिक की गई फोटो की संख्या बहुत ही गिनी चुनी है क्योंकि रात के समय इसकी तस्वीर क्लिक करना गैर कानूनी है। दरअसल पेरी नाम के एक फोटोग्राफर ने एफिल टावर की रात में तस्वीर क्लिक की थी और उसे पेटेंट करवा लिया था, जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति रात के समय एफिल टावर की तस्वीर क्लिक करता है तो पेरी उसके खिलाफ तस्वीर चोरी करने की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यही वजह है कि रात के समय एफिल टावर की तस्वीर क्लिक करना गैर कानूनी माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने पर व्यक्ति को अदालत और जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। यही वजह है कि इंटरनेट पर एफिल टावर की रात के समय क्लिक की गई तस्वीरें ना के बराबर देखने को मिलती हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति रात में फोटो क्लिक करके उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो उसे पेरी को जुर्माना देना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में 195 से ज्यादा देश हैं जहां आम नागरिकों के लिए अलग अलग प्रकार के नियम कानून बनाए जाते हैं। हालांकि कुछ देश के नियम कानून इतने अजीब होते हैं कि उनके बारे में सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए। ऐसा ही एक कानून स्विट्जरलैंड में भी बनाया गया है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति तोता या गिनी पिग को अपने घर पर पालतू बनाकर रखना चाहता है तो उसे एक नहीं बल्कि 2 तोते या 2 गिनी पिग को खरीदना होगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो स्विट्जरलैंड में तोते और गिनी पिग को जोड़े में खरीदने का कानून बनाया गया है ताकि इन प्रजातियों के जानवरों को तनाव और विलुप्त होने से बचाया जा सके। इस कानून के मुताबिक घर पर पालतू तोते या गिनीपिग की प्रजाति को बढ़ाने के लिए उन्हें उनके साथी के साथ रखना जरूरी होता है, जिसकी वजह से उन्हें तनाव नहीं होता है और उनका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छी तरह से हो पाता है। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने सीजन या मौसम को बदलते हुए देखा होगा जिसकी वजह से हमें ठंडी, गर्मी, बरसात या पतझड़ का एहसास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौसम की तरह ही इंसान का मूड भी बदलता रहता है, जो कि एक गंभीर बीमारी होती है। दरअसल इस बीमारी को बायपोलर डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, जिसमें इंसान का मूड मौसम की तरह बदलता रहता है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति का मूड बहुत अजीब तरीके से चेंज होता है, जिसकी वजह से उसके सामाजिक और आर्थिक रिश्तों पर असर पड़ने लगता है। इस समस्या से जूझ रहे व्यक्ति को लंबे समय तक खुशी या दुख का एहसास होता रहता है, जिसकी वजह से उसके संबंध बिगड़ने लगते हैं। आमतौर पर भारत में मेंटल हेल्थ पर ना ज्यादा बात की जाती है और ना ही इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मूड स्विंग से गुजर रहा है तो संभव है कि वो बायपोलर डिसऑर्डर की समस्या से ग्रस्त हो। इस बीमारी में व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक खुशी या दुख का एहसास होता है, फिर चाहे उसकी जिंदगी में खुश या दुखी होने वाली कोई बात या परिस्थिति ना हो, लेकिन अपने दिमाग को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से व्यक्ति को मूड स्विंग का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्थिति पर गहरा और गलत प्रभाव पड़ने लगता है। ऐसे में अगर आपके आसपास या परिवार में किसी व्यक्ति को मूड चेंज होने की समस्या है तो उसे एक बार डॉक्टर के पास जाने की सलाह जरूर दें। फैक्ट नंबर 5, हर देश में अपराधियों के लिए सजा निर्धारित की जाती है ताकि अपराध पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे लंबी सजा पाने वाले शख्स का नाम क्या है और उसने क्या जुर्म किया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि स्पेन में रहने वाले गैब्रियल ग्रेनाडोस को दुनिया में सबसे लंबी सजा दी गई थी, जो पेशे से एक पोस्टमैन थे। साल 1972 में कोर्ट ने गैब्रियल को 384,912 साल की सजा सुनाई थी, क्योंकि उन्होंने 40,000 से ज्यादा लेटर्स और पार्सल को डिलीवर नहीं किया था। स्पेन की अदालत ने गैब्रियल को हर चिट्ठी और पार्सल के बदले 9 साल की सजा सुनाई थी, जिसके तहत उनको टोटल 384,912 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इतने लंबे वक्त किसी भी अपराधी के लिए जेल की सजा काट पाना संभव नहीं होता है, इसलिए आखिर में गैब्रियल की सजा को कम करके 14 साल कर दिया गया था, जिसके बाद गैब्रियल ने वो सजा काटी और उसके खत्म होने के बाद जेल से रिहा हो गए थे। हालांकि इतिहास में घटी एक ऐसी घटना है जिसका जिक्र अजीबोगरीब घटनाओं में या यूं कहें कि अजीबोगरीब फैसले में किया जाता है। फैक्ट नंबर 6,
आप में से बहुत से लोगों को तैराकी यानी स्विमिंग का शौक होगा, जिसको पूरा करने के लिए आप समुद्र या स्विमिंग पूल में डुबकी भी लगाते होंगे। लेकिन पानी के अंदर ज्यादा देर तक सांस रोक कर रखना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से समुद्र की गहराइयों में डुबकी लगाने वाले तैराक ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर पहन कर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ एशिया में रहने वाले बजाऊ जनजाति के लोग बिना ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर के समुद्र की गहराइयों में तैराकी करने का अनोखा हुनर जानते हैं? इस जनजाति के लोग बिना ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर के समुद्र में 200 फीट से ज्यादा की गहराई में तैराकी करते हैं, जबकि इनके अंदर 12 से 15 मिनट तक पानी के अंदर अपनी सांस रोक के रखने की क्षमता है। इस जनजाति के लड़के अपनी जिंदगी का लगभग 60% हिस्सा पानी के अंदर बिता देते हैं, जहां ये लोग गहराइयों में जाकर समुद्री चीजों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। आपको बता दें कि बजाऊ जनजाति के लोगों के स्प्लीन का आकार सामान्य इंसान के स्प्लीन के मुकाबले बड़ा होता है, जिसकी वजह से इन लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। साइंस के मुताबिक मानव शरीर में स्प्लीन का आकार खून में ऑक्सीजन की मात्रा को निर्धारित करता है, जिसकी वजह से इस जनजाति के लोग ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह पाते हैं और उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। फैक्ट नंबर 7, आमतौर पर जब किसी इंसान को चोट लगती है तो शरीर में मौजूद हार्मोन्स उस घाव को भरने का काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नाखून पर लगी चोट कैसे ठीक होती है और उसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है? अगर नहीं तो आज हम इस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दरअसल नाखून और त्वचा में लगी चोट का हीलिंग प्रोसेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, जिसकी वजह से नाखून की चोट को ठीक होने में त्वचा के मुकाबले ज्यादा समय लगता है। अगर किसी व्यक्ति के नाखून में चोट लग जाती है तो उस घाव को भरने में लगभग 116 दिन का समय लगता है। इस दौरान नाखून पर लगी चोट यानी ब्लड क्लॉट अपनी जगह से शिफ्ट होते हुए ऊपर की तरफ आने लगते हैं, जिसके बाद वो घाव नाखून के ऊपरी हिस्से के साथ अलग हो जाता है। इसके बाद उंगली पर नाखून की एक नई लेयर बनने लगती है, जो कुछ ही दिनों में मजबूत नाखून के रूप में तब्दील हो जाती है। नाखून पर लगी चोट के साथ साथ पुराने वाले नाखून का एक हिस्सा भी गायब हो जाता है। हालांकि ये हीलिंग प्रोसेस इतना स्लो होता है कि बहुत से लोग इसे ना तो देख पाते हैं और ना ही इसके ऊपर ध्यान देते हैं। फैक्ट नंबर 8, आज के आधुनिक दौर में शहरों के साथ साथ गांवों में भी कारों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर जाम और पार्किंग की समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में कारों को खड़ा करने के लिए पार्किंग या अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया बनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां कारें जमीन पर नहीं बल्कि हवा में पार्क की जाती हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस अद्भुत देश को जापान के नाम से जाना जाता है, जहां पब्लिक प्लेस और मॉल में स्मार्ट पार्किंग बनी हुई है। इस स्मार्ट पार्किंग में कारों को एक एलिवेटर या यूं कहें कि झूले में पार्क कर दिया जाता है, जिसके बाद कार हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। इस तरह की स्मार्ट पार्किंग की वजह से सड़कों पर खाली जगह नहीं घिरती है और एक ही एलिवेटर पर ढेर सारी कारों को खड़ा किया जा सकता है, जो देखने के साथ साथ इस्तेमाल करने में भी काफी सुविधाजनक साबित होता है। इस तरह की स्मार्ट पार्किंग को जारी रखने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की खपत होती है, जिसे सौर ऊर्जा के जरिए प्राप्त किया जाता है। यही वजह है कि जापान की सड़कों और पब्लिक एरिया में कारें सड़क पर नहीं बल्कि हवा में पार्क होते हुए दिखाई देती हैं, जो अपने आप में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। फैक्ट नंबर 9, आजकल बहुत से लोग चश्मे की जगह पर कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, जो नजर ठीक करने के साथ साथ आंखों को खूबसूरत और आकर्षक बनाने का काम भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा कॉन्टैक्ट लेंस किस देश में बनाया गया था और उसकी कीमत क्या है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि वर्ल्ड का सबसे महंगा कॉन्टैक्ट लेंस भारत के मुंबई शहर में बनाया गया था। इस लेंस को शेखर आई रिसर्च सेंटर नाम की कंपनी ने साल 2011 में बनाकर तैयार किया था, जिसमें गोल्ड रिंग के साथ साथ हीरे भी लगाए गए थे। इस कॉन्टैक्ट लेंस को 5 ग्राम प्योर गोल्ड से कवर किया गया, जिसके किनारों में कुल 18 हीरे लगाए गए थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सोने और हीरे से बने इस कॉन्टैक्ट लेंस को आम इंसान आसानी से पहन सकता है, जिसकी वजह से उसे आंखों में किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है। इस कॉन्टैक्ट लेंस की कीमत लगभग 11 लाख रुपए है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे महंगा और कीमती कॉन्टैक्ट लेंस माना जाता है। आपको बता दें कि इस लेंस को पहनने के बाद इंसान की आंखें अद्भुत तरीके से चमकने लगती हैं, जो रात के अंधेरे में डरावनी भी लग सकती हैं। फैक्ट नंबर 10, आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि दुनिया में 90% लोग सीधे यानी राइट हैंड का इस्तेमाल क्यों और कैसे करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सीधे हाथ से लिखने या कोई भी काम करने को लेकर हमारे दिमाग का अहम रोल होता है, जो न सिर्फ हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है बल्कि ये भी बताता है कि इंसान को किस हाथ का इस्तेमाल करना है। दरअसल हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटकर काम करता है, जिसमें दिमाग का राइट हिस्सा शरीर के लेफ्ट हिस्से और बॉडी पार्ट्स को कमांड देता है,
वहीं दिमाग का लेफ्ट हिस्सा बॉडी के राइट पार्ट्स को कमांड देता है। ऐसे में जब इंसान बोलना और पढ़ना सीख रहा होता है तो उसके दिमाग का लेफ्ट हिस्सा बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा को रिसीव करता है। ऐसे में दिमाग का लेफ्ट हिस्सा बॉडी को ये कमांड देता है कि वो अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करते हुए लिखाई या अन्य तरह के काम पूरे करे। दिमाग का लेफ्ट हिस्सा बॉडी के राइट पार्ट्स को काम करने के लिए कमांड देता है, जिसकी वजह से दिमाग कम ऊर्जा की खपत में ज्यादा काम कर सकता है। वहीं जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनके दिमाग में बचपन से ही ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले न्यूरॉन्स की कमी होती है। ऐसे में उन बच्चों का दिमाग ये सिग्नल भेज ही नहीं पाता है कि उन्हें राइट हैंड से काम करते हुए ऊर्जा की खपत को कम से कम करना है, जिसकी वजह से वो राइट की जगह लेफ्ट हैंड का यूज करना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उन बच्चों के दिमाग के लेफ्ट साइड में सारा डेटा सबसे पहले ब्रेन के राइट साइड में ट्रांसफर होता है और फिर राइट साइड बच्चे को लेफ्ट हैंड से काम करने का कमांड देता है। इस पूरी प्रक्रिया में दिमाग को बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिसकी वजह से दुनिया भर में सिर्फ 10% लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, जबकि बाकी के 90% लोग राइट हैंड का इस्तेमाल करते हुए अपने दिमाग की ऊर्जा को बचाने की कोशिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।